आते हैं एक और बड़ी जानकारी जो कि करनाल से सामने आ रही है। करनाल में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह काबू किया गया है और पुलिस की गिरफ्त में गिरोह के 4 सदस्य इस वक्त हैं। बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। करोड़ों रुपए की कीमत का यह माल बरामद किया गया है। पूछताछ में 338 वारदातों का खुलासा भी हुआ है, तो बाकी सदस्यों की तलाश में भी पुलिस जुट चुकी है। कोशिश यही है कि इस मामले से जुड़े हुए जो दूसरे और पेच हैं वो भी साफ हो पाएंगे, पर्दे के पीछे और क्या क्या तस्वीरें वो भी साफ हो पाएगी। लेकिन करनाल में ट्रांसफार्मर चोर की गिरोह जो है वो काबू कर लिया गया है। पूछताछ में 338 वारदातों का खुलासा भी किया गया और पुलिस की गिरफ्त में कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। कोशिश यही है कि जो गिरोह के बाकी सदस्य हैं वो भी गिरफ्त में आ सकें। करोड़ों रुपए की चोरी और इस तरीके के मामले जो कि पहले भी सामने आ चुके थे, लेकिन पूछताछ में 338 वारदातों का खुलासा हुआ है, यानी कि 338 ऐसी घटनाएं जो कि इससे पहले भी हो चुकी हैं, न सिर्फ इस मामले के अंदर बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जो कि सामने आ चुके हैं। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह अब जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर जानकारी मिल रही है? पुलिस गिरफ्त में 4 इस गिरोह के सदस्य, लेकिन बाकियों की तलाश अभी भी की जा रही है, कुछ सुराग? जी बिल्कुल सुविंदर, देखिए करनाल पुलिस की डिटेक्टिव शाखा को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़े चोर गिरोह को काबू किया है जो लंबे समय से हरियाणा के कई जिलों में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस चोर गिरोह से अब तक 338 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है और अभी तक बताया ये जा रहा है कि इस गिरोह में करीब 4 से 5 सदस्य इनके और थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए डिटेक्टिव सावा लगातार प्रयास कर रही है। उनको खोजबीन, उनकी तलाश में छापेमारी लगातार की जा रही है, उनकी ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पर जानकारी के लिए। तो पूछताछ में 338 वारदातों का ये खुलासा तो हो चुका है, लेकिन कुछ और आप